ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। साना है सफूरा में सीसीटीवी कैमरे की मदद से ली गई तस्वीर एआईवाई न्यूज ने हासिल कर ली है। तस्वीर में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजमान एक कार और तीन मोटरसाइकिलों पर सवार थे और ये जो मनाजर आप इंटेलिजेंस स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजर आप देख सकते हैं, सीसीटीवी की मदद से ली गई तस्वीर एआईवाई न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कामिल आगाह कीजिएगा, हमारे नाज़रीन को तफसील से आगाह कीजिएगा, इस फुटेज में इन तस्वीर में क्या देखा जा सकता है? अभी देखिए ये सफूरा वाकये के बाद एक करीब से जब जायजा लिया गया इलाके का तो वहां पर एक इमारत के बाहर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उधर ये मुलजमान को मोटरसाइकिल पे आते हुए जिस समय उन्होंने हमला किया उस वक्त की फुटेज भी मिल गई पुलिस को, और जब मुलजमान बस पर फायरिंग करके भाग रहे हैं उस वक्त की फुटेज भी मिल गई है। टोटल तीन मोटरसाइकिलें और एक कार का मुलजमान ने इस्तेमाल किया था, और इसमें जो मुलजमान है वो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आते हैं और साथ में उनकी कार भी होती है। इसी तरह से जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास असला भी होता है, नजर आता है इस फुटेज के अंदर, और उसमें फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है और वो तीनों मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी के ऊपर जो है जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से फरार होते हैं। और अब जो पुलिस के दावा है जो विजयल हसन ने के मुताबिक तो चार मुलजमान को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, उस हवाले से भी तहकीकात और मुलजमान से जारी है। अच्छा कामिल, जो जैसे हमने देखा इस फुटेज में भी हम देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, दो मोटरसाइकिलों पर पांच मुलजमान तो नजर आ रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में गिरफ्तारी वजीर आला सिंह ने जाहिर की है, चार अफराद के बारे में बताया, तो इसका मतलब मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, मजीद गिरफ्तारियां होंगी। ये सिर्फ चार लोग नहीं थे बल्कि काफी बड़ी चेन है, तकरीबन 10 से ज्यादा लोग इस पूरी कार्रवाई में मुलव्वस थे। मौके के ऊपर ही 8 से ज्यादा लोग जो है हमले के वक्त मौजूद थे। उसके अलावा वो लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे जो कि इनको सपोर्ट करने में थे, जिन्होंने सारी प्लानिंग का हिस्सा थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ हमें अपडेट करने का। सफूरा बस पर फायरिंग करने वाले मुलजमान से की सीसीटीवी फुटेज से एआईवाई न्यूज ने हासिल कर लिया है, खुसूसी तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर।